हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये चैप्टर नई बुक में हो गया, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर और राइजिंग अबाव अ फायर और अ रेडिएटर। तो ये आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि जब फायर जल रही है, ठीक है, आग जल रही है और उसके ऊपर से जो वो निकल रही है आग, ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, जो एयर होती है वो आपको कैसे दिखाई देती है, फ्लिकरिंग। ठीक है, एक जगह से क्या होना, एक जगह से इधर उधर होना, ठीक है, मतलब डिगमगाना, डगमगाना या फिर चमकना, बार बार चमक, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या, फ्लिकरिंग, या टिमटिमाना, ठीक है, सभी शब्दों का उसका टिमटिमाना। इस तरह से आपको क्या चमकता है, उसमें एयर में चमकता है। द एयर जस्ट अबाउ द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो जो एयर हमारी क्या फायर के ऊपर है, ठीक है, जो क्या है, हॉटर देन द एयर फर्दर अप, वो क्या होगी, ज़्यादा हॉट होगी जो उसके ऊपर होगी। ठीक है, जैसे हमारी ये क्या जल रही है, ये आग जल रही है, ठीक है, ऐसे आग जल रही है, तो जो एयर हमारी यहाँ पे होगी इसके इस लेयर में, ठीक है, तो ये क्या होगी, ज़्यादा हॉट होगी, ज़्यादा गर्म होगी जो इसके ऊपर होगी लेयर, एयर की, वो थोड़ी ठंडी होगी, फिर उसके ऊपर जाएगी एयर तो ठंडी होगी, ठीक है। तो मतलब जो एयर बिल्कुल फायर के बिल्कुल पास है, जो लेयर एयर की, वो क्या होगी, ज़्यादा हॉट होगी, ठीक है। द हॉटर एयर इज लाइटर, तो जो हमारी हॉटर एयर होगी, जो गर्म हवा होती है हमारी, क्या होती है, वो लाइट होगी, हल्की होगी, लेस डेंस, या फिर बोल लो कि क्या होगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगी, लेस डेंस होगी, देन द कूलर एयर अबाउ इट, जो हमारी ठंडी हवा है हॉट एयर के ऊपर, उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, और जो हमारी हॉटर एयर है, जो क्या है, हल्की है, लाइट है, वो क्या होगी, लाइट होगी, मतलब लेस डेंस होगी। एंड एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट इज लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा, ठंडी हवा से जो गर्म हवा है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, तो जो फिजिकल कंडीशन थी रिफ्रैक्टिव मीडियम की, जो एयर है हमारा, एयर क्या आ रहा है, इसकी भी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगी, जो हमारी लाइट आ रही है उसकी ये भी क्या होगी, थोड़ी बहुत डेविएट होगी, मतलब उनमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा एटमोसफेयर के अंदर। एटमोसफेयर में क्या है, एयर, एयर की भी डेंसिटी हमने बता दी कि हॉट एयर हमारी क्या होगी, लेस डेंस होगी, और जो कूलर एयर है वो क्या होगी, ज़्यादा डेंस होगी, या फिर उनका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसमें लाइट हमारी एंटर करेगी एक लेयर से दूसरी लेयर में, ठीक है, मान लो एक लेयर ये है हमारी एयर की, एक लेयर ये है, फिर ये है, ठीक है, फिर ये है, ठीक है, ये हमारी हॉटर एयर है और ये क्या है, कूलर एयर, ठीक है, ये इससे कम कूलर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो हमारी रे आएगी इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और डेंसिटी है, ठीक है, फिर रे आएगी यहाँ पे, नॉर्मल आएगा, इसमें कुछ रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है, आप यहाँ से नॉर्मल कैसे बना लो, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, तो हमारी वह रिफ्रैक्शन वाला आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल डलेगा, ठीक है, फिर इसमें, इधर डेंसर मीडियम है हमारा, ये वाला रेयर है, ये डेंसर है, फिर डेंसर, फिर डेंसर, ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो जो हमारी चीज़ पहले क्या थी, यहाँ पे थी, तो हमें कहाँ पे दिखाई देगी, मतलब उसकी थोड़ी सी हमें पोजीशन अलग दिखाई देगी, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होती हुई आ रही है हर लेयर में, तो उसकी पोजीशन स्लाइटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम है एयर, वो क्या स्टेशनरी नहीं है, मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट, तो जो हमें ऑब्जेक्ट है उसकी क्या दिखाई देती है, हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी जब उसको हम हॉट एयर से देखेंगे, क्योंकि उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, एक जगह फिक्स नहीं होने की, वो इधर उधर होती रहेगी, फ्लक्चुएट होगी। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो ये किसका इफेक्ट है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोसफेयर ऑन अ स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरमेंट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमिना ऑन अ मच लार्जर स्केल, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी किसका फिनोमिना है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देते हैं, मतलब ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें, किसकी वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अब पढ़ेंगे हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो इसकी जो ओरिजिनल पोजिशन है ये है,
ठीक है, लेकिन हमें पोजीशन क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन हमें कहीं और दिखाई देगी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है हमें किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, टिमटिमाता हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जो स्टार के अंदर से लाइट गई। स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो जो स्टार की जो लाइट है वो एंटर करेगी अर्थ एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, लगातार उसमें एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगा, फिर तीसरी लेयर में, फिर चौथी लेयर में, और वहाँ पे क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, रिफ्रैक्शन होता रहेगा, क्योंकि हर लेयर क्या होगी, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, मीडियम का क्या है, ग्रेजुअली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सी द एटमोस्फेयर बैंड स्टार लाइट टूवर्ड द नॉर्मल। तो जो एटमोस्फेयर है हमारे क्या करता रहेगा, स्टार लाइट को टूवर्ड द नॉर्मल बैंड करता रहेगा, क्योंकि आप जितना नीचे आते रहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा आता रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा है, जब हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो किस तरह को रिफ्रैक्ट होगी, टूवर्ड दी नॉर्मल की तरफ को क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं। द स्टार अपीयर स्लाइटली हाइयर अबाउट दैन इट इज एक्चुअल पोजिशन वैन व्यू नियर द होरिजोन। तो जो हमारे स्टार की जो पोजिशन दिखाई देगी वो थोड़ी सी हमें क्या दिखाई देगी, स्लाइटली अबाउ दिखाई देगी, जो पोजिशन उसकी एक्चुअल पोजिशन ये है, लेकिन एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन की वजह से हमें थोड़ा सा वो क्या दिखाई देगा, अबाउ दिखाई देगा। ठीक है, स्लाइटली हाइयर अबाउ दैन इट्स एक्चुअल पोजिशन। फर्दर दिस अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी। और जो उसकी पोजिशन है वो भी क्या नहीं होने की, स्टेशनरी है, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइडली। जो उसकी पोजिशन है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर आर नॉट स्टेशनरी। क्योंकि जो हमारा अर्थ का एटमोसफेयर है वो भी क्या नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट द अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि जो स्टार से वो क्या है, हमारे से बहुत ही दूर है, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज जैसे दिखाई देंगे। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइडली, द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड दी। तो जो पाथ है राइट का, जो पाथ आ रहा है, रेज आ रही है जो हमारी स्टार से, वो क्या हो रही है, वेरिंग हो रही है, मतलब स्लाइडली क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है, और उसकी वजह से हमें उसकी अपरेंट पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, और स्टार हमें फ्लक्चुएट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम अदर टाइम फेंटर, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो कभी कभी तो आपको जो स्टार है बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा, कभी आपको थोड़ा सा डिम दिखाई देगा, ठीक है, फेंट दिखाई देगा, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह से। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, हमारे प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, मतलब हमारे प्लैनेट टिमटिमाते क्यों नहीं है। ठीक है, द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। प्लैनेट जो है हमारे से अर्थ के क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है। इफ वी कंसिडर प्लैनेट हैज ए कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम द ऑल इंडिविजुअल पॉइंट्स आर सोर्स विल एवरेज आउट टू बी जीरो, देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्योंकि जो प्लैनेट है वो क्या है, हमारे बहुत ही नज़दीक है अर्थ के, तो अगर उनमें से लाइट निकल भी रही होगी तो आपको इतनी दिखाई नहीं देने की, मतलब उनमें वेरिएशन आपको कम दिखाई देगा, लाइट जो एंटर हो रही है हमारी आइज के अंदर तो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देने की, वो एक साथ ही दिखाई देगी, मतलब तो आपको क्या होगा, पॉइंट सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो, तो इनका सबका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देयरफॉर नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्विंकलिंग इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनशाइन एंड डिले सनसेट। मतलब एडवांस मतलब सनराइज होने से पहले ही हमें क्या दिखाई देने लगता है, सूरज दिखाई देने लगता है सुबह के टाइम, और सनसेट होने के बाद भी कुछ मिनट तक आपको क्या दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, मतलब सूरज आपका ठीक है सेट सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूरज दिखा रहा है, तो उसे बोलते हैं डिले सनसेट, और एडवांस सनराइज, सन हमारा राइज नहीं हुआ है अभी फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं एडवांस सनराइज, मतलब पहले ही दिखाई देगा। सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज। तो जो हमें सन क्या होता है, निकलने से पहले ही हमको क्या दिखाई देगा, 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है, मतलब वो अभी सनराइज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी 2 मिनट पहले सुबह के टाइम हमें दिखाई देने लगता है, अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता रहता है जब तक वो सनसेट होगा, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, बाय
एक्चुअल सनराइज वी मीन ऑफ द एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द होरिजन बाय द सन। तो जो एक्चुअल सनराइज है उसको हम देखेंगे। तो एक्चुअल एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू द होरिजन, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज 2 मिनट। तो जो टाइम डिफरेंस है किसके बीच में, एक्चुअल सनसेट के और अपरेंट सनसेट के बीच में कितना है, 2 मिनट है। द अपरेंट पोजिशन, द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमिना। तो ये भी बिल्कुल के पे क्या है, फिनोमिना पे है। तो ये देखो इसकी अपरेंट पोजिशन है, मतलब जो हमारा ये ऑब्जर्व है, यहाँ पे ऑब्जर्व है किस पर, अर्थ पर। तो जो एक्चुअल पोजिशन है वो क्या है, ये है सन की, लेकिन ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होते होते लेयर के अंदर ये लाइट रे आ रही है, यहाँ पे लेयर है एयर की, तो इसमें क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो जो अपरेंट पोजीशन है आपकी जाते 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 वो कहाँ पे चली गई है, यहाँ पे चली गई। तो आपको क्या दिखाई दे रही है, अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन जो एक्चुअली पोजिशन है सन की वो क्या है, ये है, ये अभी अभी तक ऊपर आई नहीं है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब पढ़ेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टुलर फिनोमिना इन नेचर। तो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या कर रही है, अराउंड है, और क्या कर रही है, गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टुलर फिनोमिना इन नेचर, और क्या कर रही है, लाइट हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ फिनोमिना चल रहे हैं नेचर के। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनशाइन एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फैमिलियर विद। तो जो ब्लू कलर है स्काई का, ये हम जानते हैं ब्लू कलर है स्काई का, ठीक है। कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, जो कलर होगा वाटर का सी के अंदर। रेडनिंग सन, हमें सन कैसे दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा सनराइज के समय और सनसेट के समय। एंड वंडरफुल फिनोमिना वी आर फैमिलियर विद, तो ये क्या है, सारी लाइट है, और लाइट किसके ऑब्जेक्ट के चारों तरफ है, जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक स्पेक्टुलर फिनोमिना है, मतलब ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके पार्टिकल के अंदर, कोलोइडल पार्टिकल के अंदर। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, अगर हमारा ट्रू सोल्यूशन है तो जो पाथ है लाइट का, ठीक है, जो लाइट की जो बीम है उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देने का किसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। हाउ एवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन इसका पाथ हमें कैसे दिखाई देगा, दिखाई देगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें जो साइज है पार्टिकल्स के वो क्या, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है, उसमें साइज क्या है, बहुत ही कम है उसका। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट, द अर्थ एटमोसफेयर इज ए हेटोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। तो जो हमारा अर्थ एटमोसफेयर है इसके अंदर क्या है, ये हेटोजीनियस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल का, क्योंकि अर्थ एटमोसफेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मोग है, फोग है, ठीक है, फिर उसके अंदर एयर्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसमें क्या हेटोजीनियस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ठीक है। तो सब इन सब से मिलके क्या बन रहा है हमारा अर्थ एटमोसफेयर, इसलिए क्या है, हेटोजीनियस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल का। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच अ फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, तो जब ये लाइट है, जो बीम है लाइट की, जब ये स्ट्राइक करेगी इन फाइन पार्टिकल से, तो उनका जो पाथ है वो हमें दिखाई देगा। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल, तो लाइट हमारे पास कैसे पहुंचेगी, इन पार्टिकल से डिफ्यूज होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई हमारे तक पहुंचेगी। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव राइज टू अ टिंडल इफेक्ट, तो जो वो फिनोमिना क्या हो रहा है इसमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है किसकी वजह से, कोलोइडल पार्टिकल की वजह से, और क्या ये फिनोमेना कौन सा है हमारा, टिंडल इफेक्ट, विच यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। दिस फिनोमेना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल। आप एक डार्क रूम लो जिसमें लाइट क्या है, ऑफ है, उसमें से बाहर से आपकी खिड़की होगी कोई, तो खिड़की में से आपको क्या देखना, उसमें से लाइट आएगी, तो आपको ना उस लाइट का क्या दिखाई देगा, पाथ दिखाई देगा, ठीक है, और उसमें आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देंगे, तो वही क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, क्योंकि एयर में, एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल है, तो वहाँ से लाइट जो आ रही है उससे टकराएगी, तो उसका पाथ हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, जो हमें पाथ दिखाई दे रहा है लाइट का थ्रू अ स्मॉल होल। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल, तो जो स्कैटरिंग हुई है लाइट की,
ये हमें पार्टिकल क्या है दिखाई दे रहे हैं उसके। द टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व एन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। और ये आपको टिंडल इफेक्ट कहाँ पे भी दिखाई देगा, फॉरेस्ट के अंदर भी दिखाई देता है। अगर आप बहुत ही मतलब घना जंगल है उसके पत्तियों में से जो निकल रही है सनलाइट निकलेगी तो उसका भी पता आपको दिखाई देता है। यह टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो यहाँ पे क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है जो क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है लाइट को। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटिंग पार्टिकल। तो जो कलर होगा स्कैटर लाइट का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ स्कैटिंग पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो बहुत ही जो फाइन पार्टिकल है वो कैसे देंगे, ब्लू कलर देंगे, ठीक है, ब्लू लाइट देंगे। वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज, और जो पार्टिकल अगर हमारे क्या है लार्ज साइज के है या फिर लॉन्गर वेवलेंथ के है, इफ द साइज ऑफ द स्कैटिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर वो इतने लार्ज इनफ है मतलब कि उसमें से स्कैटिंग हो जाए तो वहाँ पे हमें कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। अगर ज़्यादा ही बड़े हैं तो कैसा होगा, ब्लू लाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो जो स्काई का कलर है ब्लू, वह ब्लू क्यों होता है स्काई हमारा। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जो मॉलिक्यूल है एयर के या फिर फाइन पार्टिकल जो एटमोसफेयर के अंदर है उनका साइज क्या है, स्मॉल है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से, ठीक है। देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू। देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू। तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब शॉर्टर वेवलेंथ की होगी एट द ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो किस पे होगी, ब्लू एंड पे होगी, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की है वो क्या होगी, रेड, ठीक है, रेड होगी वो। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन ब्लू लाइट। तो जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, 1.8 टाइम क्या है, बड़ी है किससे, ब्लू लाइट से। दस वैन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। तो जब सनलाइट हमारी किससे पास होगी एटमोसफेयर, तो जो उसके फाइन पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ब्लू कलर की लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे मोर स्ट्रांगली देन रेड। मतलब रेड से ज़्यादा क्या फैलाएंगे, वो ब्लू कलर फैलाएंगे शॉर्टर वेवलेंथ। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई इफ द अर्थ एड नो एटमोसफेयर देर विल नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर अर्थ पर क्या नहीं होगा, एटमोसफेयर नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होनी। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क। तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो स्काई आप कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देगा उस पैसेंजर को जो क्या है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, मतलब एरोप्लेन में बैठा है कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कैसे दिखाई देगा आपको, डार्क दिखाई देगा क्योंकि आप एटमोसफेयर के ऊपर चले गए हो, ठीक है। एज ए स्कैटिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट एज सच हाइट, क्योंकि स्कैटिंग हमारी उस हाइट पर नहीं होने की। यू माइट हैव ऑब्जर्व एज अ डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, डू यू नो वाई। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो डेंजर का साइन होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का। सिग्नल जो डेंजर वाली सिग्नल्स बनाते हैं हम लाइट के, रेड कलर के होगी। क्यों, द रेड इज लीस्ट स्कैटर बाय फॉग और स्मोक। क्योंकि जो रेड कलर है क्या है, बहुत ही लीस्ट स्कैटर्ड है, मतलब ये ज़्यादा फैलता नहीं है फॉग में या स्मोक में। देयर फोर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। फिर आप इससे कितने भी दूर आपको ये रेड कलर का ही दिखाई देगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आने का, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट स्कैटर है एटमोसफेयर के अंदर, मतलब ज़्यादा नहीं फैलने का, इधर उधर वही कलर आपको दिखाई देगा। दूर से भी आपको रेड कलर क्या हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए डेंजर जो सिग्नल है हम ये रेड कलर के बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चैप्टर हो चुका है हमारा ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और इसमें से टॉपिक कट चुका है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सॉरी, और वो भी करेंगे हम एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।